नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रायसा नगर में दानका आदिवासी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर अखिल भारतीय दानका आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि बोस के नेतृत्व में समाज के स्थानीय पदाधिकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उपखंड कार्यालय में सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए SDM अर्पिता सोनी के मारपत्र राजस्थान के महामहिम राज्यपाल व गहलोत सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि दानका और दानका को दो अलग अलग जाति ना होकर एक ही जाति है, जो संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति में आती है। आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने सरकार के इस आरोप पर शब्दों को लेकर इसे दो जाति बताया गया, जो कि अनुसूचित है, और इस भ्रम को लेकर हमारा आदिवासी समाज आज भी पिछले कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारे समाज के बच्चों को आज तक उनको हक नहीं मिला। बताया कि अगर जल्द ही प्रशासन और सरकार ने हमारी उचित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारा समाज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर दोनों जिलों के कलेक्टरों व प्रशासन के अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और आमने अनशन पर बैठा जाएगा। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, ये फर्जी चिट्ठी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, दानका समाज जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी। सोशल डिपार्टमेंट के द्वारा 9 अगस्त 2019 को एक चिट्ठी जारी की है दानका और दानका में अंतर स्पष्ट करते हुए और ये इसकी स्थिति अवगत कराए, जबकि दानका और दानका में कोई भी अंतर नहीं है। सरकार द्वारा अखिल अरोड़ा IAS अधिकारी द्वारा एक ऐसा वैधानिक पत्र जारी किया है जिसके कारण हमारे पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमारे दानका समाज के अंतर रोक दिए गए हैं। हमारी आज ये मांग है और आज हमने ये ज्ञापन इसलिए दिया है कि ये जो असंवैधानिक पत्र है, ये फर्जी चिट्ठी है, सरकार इसको वापस ले और हमारे समाज के अंतर जारी करे। आगे की क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये है कि अभी हम गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की तहसील टू तहसील जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं सरकार के नाम, और अगर सरकार चिट्ठी वापस नहीं लेती है तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर को घेराव करेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानी तो हम